After Sri Kailashpad Singhania Higher Secondary School, I got selected in Kendriya Vidyalaya Sangathan, one of the great organization of India, and I was posted in Kendriya Vidyalaya CWHN, and I worked almost 2 years there, and very good experience I had in that Kendriya Vidyalaya. I got 6 feedback videos from my old students from that Kendriya Vidyalaya CWHN, Anamika, Garima, Samiksha, Uma, Jyoti and Preeti, and please watch their videos. Hello everyone, this is Anamika Mishra from Singrauli. Currently, I'm working in DCS Pune. I have completed my 9th to 12th standards from Kendriya Vidyalaya CWHN, where I got the opportunity to be the student of Mr. Kumar Swami sir. I'm really grateful here to share my words about sir, who changed all my understanding about mathematics by his different style of teaching. He used to make us understand the difficult topics of maths in a very simple way. The way of his teaching is such which cover all the strengths of the class, not only in the terms of the basic understanding of the topic, but also to make us visualize that topic to solve difficult questions as well. Sometimes he used to share moral values of life, which still helps me a lot. Basically, what I found in him, which makes him different from others, is his hard work and passion for mathematics, which we can see by his work. Like apart from his school work, he also works online through his website www.kumarsir34.wordpress.com, which contains study material and question bank with the key solution. And also he providing e-learning classes for the students in this lockdown period, which helping most of his students a lot. At last, I would like to say, whatever I tell about sir is not enough for such a charismatic personality. For sure, his all contribution cannot be forgotten lifetime. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. मेरा नाम गरिमा है. मैं KVCWS चांद की स्टूडेंट हूँ. स्वामी सर, मैं ये वीडियो स्वामी सर के लिए शूट कर रही हूँ. जब मैं क्लास 8th में गई थी, तो एट द एंड ऑफ दैट एकेडमिक ईयर हमारे स्कूल में स्वामी सर का ट्रांसफ़र हुआ था. तो जब ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने जो है हमें मैथ्स पढ़ाया 8th क्लास में. आफ्टर दैट मेरा उनसे बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था उस टाइम. आई वॉज जस्ट एन स्टूडेंट ओवर देयर, क्योंकि मुझे मैथ्स में ज़्यादा रुचि नहीं थी. उसके बाद जब मैं क्लास 9th में गई, तो अगेन ही बिकेम माई मैथ्स टीचर एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मुझे मैथ्स में धीरे 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 इंटरेस्ट आने लगा. सो मेरे आफ्टर 9th जो है मेरे अच्छे नंबर आए. मैंने उनकी जो भी उन्होंने मुझे ट्रिक्स बताई कि कैसे मैथ सॉल्व किया जाता है, मैंने उसको फॉलो किया और जो है मेरे अच्छे नंबर आए क्लास 9th में. आफ्टर दैट हम 10th में गए. 10th में उन्होंने मुझे अप्रैल से जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है उन्होंने मुझे पढ़ाया. उसके बाद क्या हुआ, एट द अक्टूबर एक सडन न्यूज़ आती है. सर सबसे पहले ही हमें बता रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, बट हम उसे सीरियस नहीं लेते थे बिकॉज वी न्यू कि सर ये सेशन को कंप्लीट करके जाएंगे. बट व्हाट हैपेंस कि अक्टूबर तक सर का ट्रांसफ़र आ चुका था और सर हमें KVCWHN से छोड़ के किसी हार्ट स्टेशन में उनका ट्रांसफ़र हो गया. एंड ऑन दैट टाइम आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स टीचर, दैट कि मैं उन्हें हम पूरे स्टूडेंट उन्हें कितना मिस करते हैं और हम उन्हें कितना याद करते हैं. बिकॉज हमारी मैथ्स जो थी अच्छी हो ही रही थी तब तक सर ने जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ सर जब हमें पढ़ाते थे तो मेरी मैथ्स अच्छी हो गई थी. मैंने मन बना लिया था कि मैं 11th में आके मैथ्स या बायो में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मैं लूँगी. लेकिन क्या हुआ, अक्टूबर के आते आते सर का ट्रांसफ़र हो गया और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी. मतलब आई वॉज लिटरली, और के वी में ये सबसे मतलब ड्रॉबैक है कि जब आपको कोई टीचर बहुत ज़्यादा मतलब
पसंद आने लगता है या आप उसको एज अ आइडल मानने लगते हो या चीज़ ऐसी होने लगती है, तो मोस्टली ट्रांसफ़र उनका हो जाता है और वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख देता है। आई नो ये चेंज का पार्ट है बट स्टिल इट रियली मेक्स अ स्टूडेंट सो हर्टफुल। उसके बाद सर के जाने के बाद हमारे स्कूल में एडॉप्ट बेसिस पे मैथ्स टीचर आए, बट हम लोग जो हैं वी कैन नॉट, हम लोग उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे उस मैथ्स टीचर के साथ। तो तब से मैं स्वामी सर के लिए, मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर हम स्टिल 11, वो हमें नंबर दे के गए कि बेटा जब कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बट उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया, इतनी सारी चीज़ें थी नहीं, तो मैं एज अ स्टूडेंट उन्हें इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। कभी कभी उनसे बात हो जाती थी, हम लोग पूछ लेते थे सर कैसे हो आप, क्या है, कैसा है, वो भी हमसे हमारी स्टडीज़ के बारे में पूछते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था कि वो अभी भी बहुत इंटरेस्टेड है। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन करने लखनऊ आई, मेरा जब 12th कंप्लीट हो गया, मैं ग्रेजुएशन करने लखनऊ आई, सडनली आई हैव गॉटन रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक फ्रॉम सर, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि हाँ सर भी फेसबुक पे हैं। फिर मैंने उन्हें सर्च किया और मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर हमारी एक अच्छी सी, एक वेरी हेल्दी कॉन्वर्सेशन हुई अब रिगार्डिंग द व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो है सर से हमारी फ्रिक्वेंटली बात होने लगी थी, कभी कभी हम मैसेज कर देते थे सर को, बहुत सारी चीज़ें थी। बट सर हमेशा, एक चीज़ सर के अंदर बहुत अच्छी थी कि वो हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में बात किया करते थे, हमेशा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं सर का जो भी उन्होंने हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया, आज वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया, एक किसी चीज़ की तरफ कैसे फोकस किया जाता है वो मैंने सर से सीखा। अगर सर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, इन मैथ्स ऑल्सो, इन नॉर्मल लिविंग ऑल्सो, बिकॉज कभी कभी हम स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रिलेटेड टू द एग्जाम्स एंड ऑल, तो कभी कभी हम टीचर से भी अपनी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो ही इज़ द वन टू हूम आई शेयर माई व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और ग्रेजुएशन होने के टाइम से फिर मास्टर्स करने तक का क्या था। सो ही वॉज वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स ऑल दिस। और उसके बाद आज मैं एक फैशन कंसल्टेंट हूँ फैशन इंडस्ट्री में, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। राइट नाउ आई एम अ सक्सेसफुल फैशन कंसल्टेंट ओवर हेयर, और मैं इसका जो श्रेय है कहीं ना कहीं सर को देती हूँ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है मैं अनसक्सेसफुल थी, तब भी सर मुझे जो है हमेशा एक स्टूडेंट की तरह गाइड करते थे, और आज मैं एक सक्सेसफुल हूँ तो ही ऑलवेज appreciate me, admire me for my success. So I think कि nothing changes. Teacher हमेशा एक teacher ही रहता है और हमेशा वो teacher ही रहेगा। ये चीज़ मुझे सिखा दी। आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर मैं हूँ, मैं बहुत बड़ी हो गई, लाइक 10th क्लास और राइट नाउ बहुत काफ़ी एज गैप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट स्टिल द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हिम वो बढ़ती ही जा रही है, वो कहीं से कम नहीं हो रही है। We are not in that era कि हम जो हैं respect नहीं करते हैं, we respect him। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, international level पे भी सर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि वो बच्चों को एक अच्छा study material और हर चीज़ provide कर सके। He is a very respectful and honorable teacher। उसके बाद जो है मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो भी student उनको आज follow कर रहे हैं या जहाँ पे भी वो teacher हैं, जिस भी केवी में, मैं बस इतना उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सर को आप फॉलो करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, यू कैन गो, ही इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मुझे लगता है कि उनको एक सब्जेक्ट की नहीं, उनको हर सब्जेक्ट की नॉलेज है। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर ओवर दिस, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वो। तो उन्होंने जो है अपना बहुत सारा टाइम एजुकेशन पे दिया है। सो मुझे लगता है कि गॉड ब्लेस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्वामी सर, एंड डेफिनेटली उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिले स्वामी सर से। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनका एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स जिनको भी कोई भी मैथमेटिक्स और चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत है, तो प्लीज़ उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।
उनसे मिले, आप उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हो और आप उनसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो. सो दैट्स ऑल. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सर से कि सर आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि गॉड आपको हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे ताकि आप और अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर सको. थैंक यू सो मच सर. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समीक्षा दुबे. आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय CWS जैन सिंगरौली. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैथ सब्जेक्ट फ्रॉम मिस्टर कुमार स्वामी सर. दोज डेज आई एम नॉट गुड इन मैथ सब्जेक्ट बट विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कुमार स्वामी सर आई स्टार्टेड लर्निंग मैथ्स. He is the best teacher of maths. He provides us all the study materials and explain all the topics very easily. Mr. Kumar Swami sir is very friendly with all their students. He clear all the topics in very easy manner. Nowadays, I am pursuing English Steno from Jabalpur. I will always thankful to Kumar Swami sir to making math subject very easily and understanding. He is the best teacher of maths and thank you so much sir for teaching us. Thank you so much, sir. Hello, sir. Uma Soni here, your ex-student from Kendriya Vidyalaya CWS Jain Singrauli. And I am your very old student. You teach me when I was in 9th standard and your way of teaching was different from usual. You made it very simple and easy to do maths. And I still remembered when I was in 10th standard, you got transferred from KV Jain and you used to teach me on phone calls and cleared all my doubts. And this helped me a lot to get very good score in math subject in 10th standard. So thank you, sir, for being such a brilliant teacher. And I also want to say that you are doing a great job in providing online classes and notes to a present student. It's really commendable. And all the love and wishes from Kendriya Vidyalaya Jain students. Thank you. Hello, sir. I'm Jyoti Mishra from Kendriya Vidyalaya CWS Jain. Today, I got this opportunity to speak few words for you. Thank you. Thank you for teaching me for confusing and new ideas. Maths is a tough subject as we all know that and only few students enjoy it and I'm the lucky one just because of you. There are so many formulas and it seems like number just never end. And there are so many ways to figure out the answers to so many problems. So that we learn from you and thank you so much for this video. Thank you so much for everything. Hello everyone. My name is Preeti Verma. Currently I am working in TCS as database administrator. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya CWS Jain. Swami sir taught me mathematics during my 10th classes. At that time he supported so much. He completed my syllabus at time. And not only the syllabus, he completed sample papers, practice papers and all the previous year question papers that helped me so much that I scored 94 marks in my boarding examination. Thank you so much, sir, for your support and all the best for your future. Thank you, sir. Thank you very much for all of you, Anamika, Garima, Samiksha, Uma, Jyoti and Preeti, for remembering my services at Kendriya Vidyalaya CWS Jain. I'm really fortunate to have students like you all. Thank you very much and God bless you all.